नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 8 से 14 तारीख के मध्य ये 7 दिन कैसे बीतेंगे आपकी राशि के लिए अप्रैल के, मैं आपको बताऊंगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ये साप्ताहिक राशिफल देखकर आप आगे आने वाले सप्ताह के बारे में वो संकेत जान पाएंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी मैं जानकारी दूंगा आपको। आपके लिए आपका भाग्य प्रतिशत कितना है, शुभ अंक क्या है, वो भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आपका जीवन सफल हो सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का। आप सभी लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। अब हम बात करते हैं L6 की। ये L6 क्या है, इस L6 के अंदर क्या छुपा है? इस L6 के अंदर छुपा है आपकी जीवन की खुशियों का पूरा भंडार। अनेक आदमियों की अनेक खुशियां हो सकती हैं, जैसी आपकी खुशी होगी वैसे ही ये L6 का लॉकेट काम करेगा। सबसे पहले तो ये आपको शत्रुओं से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा, उसके बाद आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, जो भी आप चाहते हैं। इस लॉकेट को पहनने से बहुत सारे लाभ हैं। इस लॉकेट को पहनने से पति पत्नी का सुख बढ़ेगा, बीमारियों से राहत मिलेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, रिश्तों में नज़दीकियाँ होंगी और प्यार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, शादी का सुख बढ़ेगा, संतान का सुख बढ़ेगा और आप खुशियों को देखते ही देखते अपने घर का गुलाम बना लेंगे। तो L6 लिखकर व्हाट्सएप करें और इस चमत्कारी अजय लॉकेट को प्राप्त करने के लिए 1750 रुपये की कीमत निर्धारित की गई है। L6 मतलब सफलता, और सफलता आपकी भी हो सकती है। जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना जल्द आपको ये प्राप्त होगा और नवरात्रि के शुभ दिनों में इसको धारण करना और भी उपयोगी माना जाता है। सप्ताह की शुरुआत की अवधि में आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, बाल कल्याण मनोरंजन से संबंधित गतिविधियाँ आपकी बढ़िया चलेंगी। जुआ शेयर मार्केट में कारोबार में आपको किसी का परामर्श लेना चाहिए, अपने मन से सब काम नहीं करने चाहिए, आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं। इसके अलावा आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य बना रहेगा। आप अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनका अच्छा करियर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की वजह से आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी। सप्ताह भर आपका स्वास्थ्य, प्रसन्नता और उत्साह बरकरार रहेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और अपनी कार्य क्षमता से और अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए सभी कामों को करने में सफल रहेंगे। योग प्राणायाम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। सप्ताह के अंतिम समय में आपके प्रिय का स्नेह आपके प्रति बना रहेगा। यह समय बहुत ही फायदेमंद रहेगा। वैवाहिक जीवन का आप आनंद ले पाएंगे, परिवार में खुशी का माहौल होगा, घर का माहौल शांतिप्रिय होगा, घर में उच्च रहन सहन का भी सुख आप भोगेंगे। 8 अप्रैल दिन शुक्रवार, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए बढ़िया है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मानसिक स्थिति बढ़िया रहेगी, वाणी अच्छी रहेगी, मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा, लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी, खेल कूद में बच्चे अच्छा परिणाम लाएंगे, पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे अच्छे रहेंगे, घर की महिलाओं के लिए भी शानदार दिन है, तरक्की का दिन है, कामकाजी महिलाएँ भी तरक्की करेंगी। 9 अप्रैल दिन शनिवार, विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे। प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन सौभाग्य का रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य से बेहतर बीतेगा। आज आप परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, शेयर मार्केट में निवेश करने की योजनाओं में दिमाग लगाएंगे। आज आप सभी प्रकार की जो खोजबीन है वो करेंगे अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताकत महसूस करेंगे शरीर में। कोई टॉनिक वगैरह भी डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकते हैं आपकी कमजोरी दूर भगाने के लिए। बात करेंगे 10 अप्रैल दिन रविवार की। आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए बढ़िया है। नौकरी करने वाले लोग अपने काम में मन लगाएंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, घर में मेहमान आ सकते हैं,
मेहमानों की सेवा में आप वक्त बिताएंगे, घर के ज़रूरी कामों को निपटाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, घर के आसपास कुछ शादी ब्याह के कार्यक्रम में आप शरीक हो सकते हैं या कोई पार्टी फंक्शन में शरीक हो सकते हैं। एक बढ़िया दिन रहेगा मान सम्मान पाने का। आज रिलैक्स रहेंगे आप, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, हल्का भोजन करेंगे, शरीर को पूरा आराम देंगे। 11 अप्रैल सोमवार का दिन, विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करेंगे, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारियों को कुछ अच्छे फैसले लेने पड़ सकते हैं काम को बढ़ाने के लिए, नौकरी में आपको बॉस का सपोर्ट मिलेगा, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके साथ में रहेंगे, आप किसी टीम के मेंबर हो सकते हैं, आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है, आपका दिन बढ़िया बीतेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। शाम के वक्त थोड़ी थकान हो सकती है जिसको दूर करने के लिए आज आप बॉडी मसाज वगैरह ले सकते हैं या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या अपने पैर को नमक वाले गुनगुने पानी में डालकर रिलैक्स करवा सकते हैं। 12 अप्रैल दिन मंगलवार, आज आप परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं, कहने का मतलब है घूमने फिरने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे, यह समय है अपने मनपसंद साथी को चुनने का, यह समय है प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने का, यह समय है प्रेम संबंध को शादी में परिवर्तित करने का। आप अपने जीवन साथी या मित्र को या प्रेमी या प्रेमिका को कोई उपहार दे सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखिएगा, किसी गुप्त रोग से परेशानी हो सकती है, कमर के निचले हिस्से में तकलीफ हो सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आनंद प्राप्ति का है, सुख जुटाने का है और खुशियां पाने का है। 13 अप्रैल दिन बुधवार, आज का दिन जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, आपको निश्चित रूप से एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, एक दूसरे की सलाह से काम बनेंगे, परिवार के बड़े सदस्य आपके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे, व्यापार में नया साझेदार मिलेगा, व्यापार को आगे बढ़ाने के नए रास्ते पर आप विचार करेंगे, आपकी जमा धन पूंजी को आप व्यापार में लगाकर और बढ़ाएंगे, पैसे के रोटेशन से पैसा और बढ़ेगा, शेयर मार्केट में समय शुभ नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाने पीने के मामले में सावधानी रखें, रोजाना नियमित व्यायाम करते रहें, किसी महिला से लड़ाई झगड़ा ना करें, महिलाओं का सम्मान करें। 14 अप्रैल दिन गुरुवार, अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर मिलेगा, व्यापारियों को नया साझेदार मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में शुभ परिणाम मिलेंगे, लड़ाई झगड़े शांत होंगे, ससुराल की तरफ से धन प्राप्ति के योग हैं या ससुराल से बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाएंगे विवाहित लोगों के, आपके बच्चे साहसी होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी और आप हर काम में सफल होंगे, लगभग लगभग आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। आपके लिए 88% शुभ परिणाम लेकर आ रहा है यह सप्ताह और 9 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। आपने राशिफल सुना, आपने राशिफल समझा, एक एक दिन के बारे में जाना, अब जल्दी से ये भी जान लीजिए कि आपको L6 क्यों मंगाना चाहिए। अगर आप शनि राहु केतु से परेशान हैं, शनि की 7.5 परेशान कर रही है, राहु केतु परेशान कर रहे हैं, आपके काम बनते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं, आपके पास पैसा आता जरूर है लेकिन पैसा खर्च हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, आप परेशानियों में घिरते चले जा रहे हैं, चिंताओं में फंसते चले जा रहे हैं, तो आपको ये L6 का लॉकेट लेना चाहिए। ये आपकी गरीबी भी दूर करेगा, आपके दिमाग को भी तेज करेगा और शत्रुओं से भी बचाएगा। आप इसको धारण करिए, फिर देखिए इसका चमत्कार, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ एक ही पल में वापस आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये सप्ताह आपका बहुत बेहतर बीते, खुशियों में बीते और आप लोग बहुत प्रसन्न रहें। हरिओम, नमस्कार।